का ऑफिस और अभी हम हैं करमगंज के एरिया में। हमारे साथ हैं फैजी भाई और हमें ये पहले बताएंगे कि दो साल से जो कोविड की वजह से जो गाइडलाइंस थी जैसे कि प्रॉपर नहीं बनाई जा पा रही थी, अभी उनसे पूछेंगे कि लोगों ने क्या इसको लेकर खुशी है, माहौल कैसा मार्केट का, तो आइए जानते हैं फैजी भाई। सबसे पहली बात ये है कि मुसलमान का जो सबसे बड़ा त्यौहार होता है वो ईद उल फितर होता है और ईद 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 होती है। असल बात क्या है कि दो साल हम लोगों ने ईद नहीं मनाया, कोरोना का बहुत बड़ा प्रभाव था, कोरोना का लहर था, लोगों ने दो साल अच्छे से ईद नहीं मनाया, अच्छे से नमाज अदा नहीं किया, अच्छे से तरावी नहीं पढ़वाया। इस साल हम लोग दो साल के बाद ईद मनाने जा रहे हैं और ये बहुत ही अच्छा माहौल है, बहुत खुशनुमा माहौल है कि कल चांद रात होगी, परसों ईद होगी और ये ईद का आप खुशनुमा माहौल देख सकते हैं। यहाँ से लेकर ये करमगंज चौक से लेकर लास्ट छोर तक वहाँ तक पूरी ईद का पूरा मेला लगा हुआ है, आप देख सकते हैं कि चारों तरफ भीड़ है और मुसलमानों में बहुत ही अच्छा ही प्रभाव पड़ रहा है और बहुत ही अच्छा ईद मनाने को हम लोग ऐसा लग रहा है कि कई सालों पर ईद मना रहे हैं, क्योंकि दो साल हम लोगों ने कोरोना का माल झेला है और उसके कारण हम लोग ईद अच्छे से नहीं मना पाए। इस साल मुसलमानों में बहुत ही खुशी की लहर है और मैं सब मुसलमान भाइयों को और सब इंडिया वासियों को, सब हिंदुस्तानी जनता को मैं बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूँ। फ्रेंड माय डियर फ्रेंड, 9:30 हो रहा है रात को और आप देख सकते हो काफ़ी भीड़ है। माई डियर फ्रेंड, राइट नाउ आई एम एट दरभंगा टावर और रात के 10:30 बज रहे हैं और आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो, लोगों की काफ़ी बड़े तादाद में लोग भीड़ में हैं और शॉपिंग कर रहे हैं। चांद रात है आज और लोग ईद की तैयारियों में जुटे हुए हैं और दो साल बाद आपको पता होगा कि ये प्रॉपर वे में जो ईद हो रही है वो मनाई जा रही है, तो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक जोश है और एक उत्साह है ईद को लेकर। तो माय डियर फ्रेंड, आप ईद की रौनक देख सकते हो, लोग खरीदारी करने के लिए अभी तक है यहाँ पे और रात के 10:30 बज रहे हैं और यहाँ पे भीड़ आप देख सकते हो, बाज़ार की रौनक आपको भीड़ से अंदाज़ा लग जाएगा कि कितने तादाद में यहाँ पे लोग अभी शॉपिंग कर रहे हैं और ये पूरी रात ये सिलसिला चलता रहेगा। आप देख सकते हो, मैं पूरा एक व्यू दिखा रहा हूँ। पूरा जोकर है, वाह क्या लुक है। यहाँ 5 किलोमीटर तक ये चप्पल नहीं चलेगा।
हेलो भाई, यूट्यूब पे चैनल है, यूट्यूब बना लिएगा ना, लिएगा ना, साथ में ले लिए। Few moments later. Okay friends, आधे घंटे की बारिश के बाद आप दरभंगा टावर से चांद रात का हाल देख सकते हो। आइए ना, चलो ना। Six and a half hours later. खड़े होने के लिए कोई आगे और कोई पीछे होते या किसी का सीना बाहर निकला हुआ होता तो प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त तेजी के साथ गुजरता जा रहा है और अपने बुजुर्गों ने नौजवानों से नमाजी का गुजर होगा जिस रास्ते से वो आएंगे तमाम रास्ते तीन तकबीर अल्लाह। फ्यू मोमेंट्स लेटर ईद मुबारक सबको ईद मुबारक ईद रमजान के महीने में जो नेकियां कमाता है अल्लाह को खुद के करीब वो पाता है, छोटी छोटी नेकियों से जन्नती हो जाता है।